साल की तरह इस साल भी मशहूर समाज सेवक मोहम्मद पटेल द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र के महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने का काम विधायिका यामिनी जाधव के हाथों कराया गया। इस मौके पर गुजरात की बेटी आयशा का भी जिक्र किया गया और उसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मेला है, अस्सलाम वालेकुम बहुत जोर से अदब से, सो अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। माँ आपने इतना अच्छा एसोसिएशन बनाया है और उस एसोसिएशन का हम अगर ठीक से विचार करें, लेकिन महिला अवेयरनेस एसोसिएशन, लेकिन आप उनके इनिशियल लेते ही एक माँ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर मी। और आपने यहाँ पे बुलाया मोहम्मद भाई, मैं आपके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि यहाँ पे जो भी जेंट्स मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वुमेंस डे पे वुमेन का एक होना तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो कहना चाहूंगी, दो मिनट लूंगी, लेकिन कोई बोल ही होगा, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। मुझे ये मेला दिन समझ नहीं आता, जैसे पिज्जा डे है, रोज डे है, वैलेंटाइन डे है, पुरुष डे भी है, इस तरह से ये मेला डे है। इसको हम महिलाओं को सिर्फ टेक्निकल लेना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि महिला दिन ये रोज हुआ है। सुबह बिस्तर से आँख खुलती है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे सास ससुर डायबिटिक है उनको क्या चाहिए, बच्ची को स्कूल भेजना है या देवर को कहीं जाना है, इसी में उसकी धार्मिकता हो जाती है और वो इतना काम करती है कि हर दिन महिला दिन होता है। सो आई सैल्यूट वुमेन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ All women and I am a part of a woman. मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे उसने मेला बनाया है। अच्छा, आपल्याकडे बघितलं, माझ्याकडे बघितलं की काही जणांना आपण खडूस वाटतो, पण आपल्या फील्ड मध्ये मराठी आता सब कुछ जाऊंगी मराठी खडूस वाटतो, पण आमच्या फील्डमध्ये आम्ही खडूस असणं गरजेचं आहे, कारण आमचा दरारा ज्याला होईल तेव्हा पुढचा असतो त्याची डेअरी होत आणि म्हणून आम्ही खडूस असतो, पण फणस आवतो बाहेरून काटे आहे आतून अगदी फणस आहे गाभ्यासारखे आहोत। आणि त्याच बरोबर मला कळत नाही, येस ऑफकोर्स आपण नाजूक असा इलाज पाहिजे, हमे नाजूक होना चाहिए महिलाओं को, लेकिन कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत चीज है, गलत चीज है। एक शेयर करना चाहती हूँ, इस शेयर का है मुझे पूछो मत, मालूम है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। नजाकत नजाकत नाजनीनी होके बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है वो नजाकत के साथ में आपको कमजोरी नहीं देता। मैंने एक डेफिनेशन बनाया है महिला का, जो आपको बहुत ही शायद अब ये मेरे सोच से किसका ओपिनियन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज डिफरेंट। महिला
माने महान, ही माने हिमालय जैसा मन रखने वाली, एंड ल माने लज्जा जैसा मन। अच्छा लज्जा किस में होती है? आपके बुरखे में होती है, मेरे पल्लू में होती है, ये तो अपना अपना कम्युनिटी का डिसीजन होता है। आप क्या पहनो, आपका आउटफिट क्या होता है, इससे किसी महिला को कंपेयर या उसका जज नहीं करना चाहिए। महिला की शर्म और जब तक महिला अपनी आंखों की शर्म और हया को अपने काबू में नहीं रखती कुछ नहीं होता। असली अगर आप अपने आप को पहचानोगे। हल्ला अच्छा मोहम्मद भाई आपकी माफी चाहूंगी, थोड़ा सा अलग बोल रही हूँ। कुदरत ने ही महिलाओं को एक ऐसी अनहोनी शक्ति दे दी, कोई नहीं पहचानता। हर एक जन बोलता है मुझे डायबिटीज है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, लेकिन सिक्स सेंस अगर महिलाओं ने अपने आप का पहचाना ना तो कोई महिला कमजोर नहीं है। ये सिक्स सेंस को पहचानो, अपने आप को दी हुई एक शक्ति को पहचानो 100%। मैं यहाँ आयशा के जो दोषी है प्रकरण में, इनको सजा होनी ही चाहिए, मैं उस साइड में ही हूँ। लेकिन थोड़ा जाके हम थोड़ा रियलिटी को समझने की जरूरत है, वो भी महिलाओं ने। आप एक बात सोचो, आयशा अगर महिला है तो उसकी सांस कौन है? वो भी महिला है। जिस वक्त उस पे ये जुल्म हो रहा था, ये उसका बेटा उस पे जुल्म ढा रहा था, क्यों उस वक्त उसकी सांस में की महिला जागी, उसने उसके लिए आवाज उठाई, खड़ी नहीं हुई? और जब तक यहाँ पे चेंज नहीं आता, कहाँ चेंज नहीं है? मैं सोचती हूँ कि घर एक आपके रिश्ते बदल जाने से आपके प्रिंसिपल क्यों बदलते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। कि मेरे आउटफिट पे या मेरे प्रेफरेंस पे मत जाना। मैं दो बेटों की माँ हूँ, दो बहुएं हैं मेरे घर में, और एक 3.5 साल का पोता है मेरा। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप हर एक में से एक एक जन को जो पास्ट में अनुभव आया है कि मेरे सास ने मुझे तकलीफ दी है, मेरे देवर ने दी है, ससुर ने दी है, प्लीज डोंट रिपीट विद योर डॉटर इन लॉ। आप अगर आपकी बेटी कहीं ब्याते हो, उसको तकलीफ होती है, तो यहाँ दर्द होता है ना आपको, तो उसी दर्द को महसूस करो जब आपकी बहू को आपका बेटा दर्द देता है। सबसे पहले तो मैं माँ जो एसोसिएशन है, इनको जो फाउंडर हैं इनके, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, ये जो भले छोटे पैमाने पे था पर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो उन्होंने आयोजित किया है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सबको पता ही है, कल जो है वो वुमेंस डे है, तो मैं जितनी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, सबको हैप्पी वुमेंस डे सेलिब्रेट के मौके पर उनको मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेंस डे हर दिन वुमेंस डे है। हमें ये बताना है कि हर डे वुमेंस डे है, पर ठीक है 8 मार्च को हम वुमेंस डे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो एवरी डे स्ट्रॉन्ग रहती हैं, स्ट्रेंथ रहती हैं। मैं थोड़ा सा आपका जो है आपकी रोशनी डालना चाहूँगी, ये जो आप सबको पता ही होगा कि आयशा के मामले में जो चल रही हैं बातें, मैं ये बोलूँगी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने जहाँ पर शादी करा के दी, बच्ची ने शादी करी, बहुत अच्छा क्या काम किया, लेकिन जब आपने आपकी बेटी का हाथ कहीं पर दिया है, आपको पता रहता है कि कहाँ पर आपने सही जगह है, गलत जगह है, ये तो बाद में ही पता चलता है बेशक, लेकिन जब उस घर में कोई औरत है तो वही घर में दूसरी औरत पर क्यों जुल्म होता है? जब एक घर में एक औरत है तो दूसरी वही घर में दूसरी औरत पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि उनके आयशा के जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त जो है उन पर कार्रवाई की जाए। और मैं ये आगे मेरे बहनें, मेरी बेटियां जो हैं उन पे, उनके लिए भी एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ कि जैसे हमारा इस्लाम जो है वो कमज़ोर नहीं है, हमारे इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं आया है कि आपके तकलीफ़ों का निजात जो है वो खुदकुशी है, आत्महत्या है।
तो इस चीज़ को जो है आप लोग एकदम सेपरेट कर दीजिए, ये जो चीज़ है ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही बोलता है और हर मज़हब यही बोलता है कि आत्महत्या और सुसाइड करना ये गलत चीज़ है। आप खुद स्ट्रांग बनिए। आप जितना, मैं लड़कियों के बच्चियों के माँ बाप को बोलना चाहती हूँ, आप जितना पैसा उनकी शादियों के लिए इकट्ठा करते हैं उतना आपकी बच्चियों को तालीम दीजिए, ताकि आपकी बच्चियाँ जो हैं आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और आगे जिस घर में जाएं वहाँ पर भी आपका नाम रोशन करें। बस इतना ही बोलना चाहूँगी और बच्चियों के लिए ये अपील है कि आप लोग जो है दीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझू होइए। दीन की भी जैसे आप स्कूल और कॉलेज की तालीम ले रहे हैं उसी तरीके से इस्लाम की भी तालीम। शुक्रिया। हर साल हम लोग महिला दिवस मनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सब 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 फील्ड की औरतें एक प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि लोगों में यह जागरूकता है और लोगों में ये देखें, लोग ये देखें कि भाई औरतें किस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। हर फील्ड में आप जाओ देखो, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, CA हैं और आज हमारे कारपोरेटर है। हर फील्ड में औरत कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। और आयशा के बारे में कहूँ कि आयशा ने जो भी किया है कम से कम उसको थोड़ा इतना अपने इंसाफ पर भरोसा होना चाहिए था, ताकि उसको इंसाफ मिल सकता था। और कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसको यही आज और दूसरी और औरतों को मैं ये सुझाव देना चाहूँगी, आयशा ने जो किया वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मजबूरी का काम था और बहुत से मतलब विकल्प है, बहुत सारे रास्ते थे उससे निकलने के लिए, बचने के लिए, लेकिन उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही गुजारिश करेंगे कि भाई उसके साथ में इंसाफ हो, उसके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे उसके ससुराल वाले हो, चाहे उसके खुद कुबन रिश्तेदार हो, तो मैं चाहूँ कि उसको इंसाफ हो। शुक्रिया। मोहम्मद पटेल जिस तरह से वो मैडम जी MLA जो मैडम हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था वो मेरे गुरु है, इसी तरह ये भी मेरे पॉलिटिकल भी गुरु है और मुझे आज पॉलिटिक्स में लाने वाले भी यही है। तो मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। अब ये चेंजेस आ रहा है कि हम लोग मतलब लिमिटेड हो गए हैं, मतलब जो लोग दूर दूर से मतलब दूर दूर रहकर ही अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि 2-3 घंटे प्रोग्राम चलता था, लोग मिलते थे एक दूसरे से, थोड़ा वुमेंस डे इन्जॉय करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि एकदम शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ना, उस तरह का शॉर्ट टर्म वुमेंस डे का प्रोग्राम हो गया। हम लोगों ने जो जो लेडीज़ अपने फील्ड में किया है, उन्होंने टॉप किया है, जैसे फील्ड में किया है ये लड़की आलिया थी उनको किया है, लॉयंस क्लब के मैडम नफीसा मलिक को किया है, हमारी सहारा अक्रम कॉरपोरेटर है जो मेरा भाईंदरी कॉरपोरेटर है उनको किया है, हमारी एक फ्रेंड है वकील जो है इस कम से कम अबव 48-50 एज की एज में उन्होंने वकालत पास की, शादी होने के बाद बच्चे बड़े, बच्चे इंजीनियर हो गए, सब हो गए, उनके बाद में इस एज में आके उन्होंने वकालत पास की। और हमारी एक फ्रेंड है उन्होंने PhD किया है, फर्स्ट रैंक का किया है, और एक है उसने टॉप किया है पूरे अपने महाराष्ट्र में। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चुना और जो जो सोशल वर्कर के फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं उनको चुना। खासकर उर्दू भवन के लिए उन्होंने 25 करोड़ रुपए का फंड दिया है और जो आज तक किसी ने नहीं दिया। आज तक जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं सिर्फ वादे करके चले जाते हैं और इलेक्शन जीतते हैं, सिर्फ उर्दू और मुसलमानों के वोट के खातिर वो लोग इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन सचमुच देखा जाए तो यामिनी देवी ने जो काम किया, स्वाधीन का नाम यामिनी देवी जी, उन्होंने जो किया है बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्होंने करके दिखाया है। उनकी अंदर से जो इच्छा थी कि भाई ये बनना चाहिए तो उन्होंने करके दिया, और इलेक्शन के टाइम उन्होंने वादा भी किया था कि मैं ये काम जरूर करूँगी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ भी लेडीज़ का मतलब जैसे मार्केट है, हॉस्पिटल्स है, रेलवे स्टेशन है,
बस डिपो है, जहाँ भी लेडीज है तो हमारे पुरुषों या जेंट्स लोगों को चाहिए कि वो जहाँ भी लेडीजों को देखें उनका रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अगर कभी मुश्किलें पेश आती हैं उनको बढ़ चढ़ कर उनके साथ में उनकी मदद करें, और उनके साथ में अगर जो अगर जेंट्स वगैरह नहीं है या उनको कुछ तकलीफ हो रही है तो कम अज़ कम लेडीज़ को लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई उनके हमको मदद कर दी जाएगी, कम अज़ कम पेरेंट्स को ये सब सिखाना चाहिए कि किस तरह से एक औरत का आदर किया जाए। बेटियों से ज़्यादा हमको बेटों की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको बेटियों से ज़्यादा बेटों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको सही संस्कार सही चीज़ें और सही मालूमात उनको देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि जिस तरह से तुम्हारी माँ और बहनें हैं उसी तरह से तुम्हारी बीवी जो है वो भी अपना घर और सारा ख़ानदान छोड़कर अपने घर आई है, तो वो भी तुम्हारी ही है और उसकी इज्जत और उसका उसकी खुशी सब कुछ तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम और तुम्हारे जो भी लोग हैं मम्मी और बाकी सबको भी लड़कों को ही ये इनिशिएटिव लेकर उन लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए और अपनी बीवी और बाकी की भी तमाम औरतों की इज्जत करना और आदमियों को सीखना चाहिए सबसे पहले।